आज की वीडियो में आपको करिश्मा कपूर की सेकंड मैरिज के बारे में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ समय से करिश्मा कपूर की सेकंड शादी को लेकर खूब चर्चा हो रही है और करिश्मा कपूर की शादी को लेकर काफी सारे रूमर्स भी सामने आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि करिश्मा कपूर बहुत जल्द दूसरी शादी करने वाली हैं। करिश्मा कपूर की पहली शादी अनसक्सेसफुल रही और उनके दो बच्चे हैं जिनको करिश्मा कपूर ने अपना पूरा टाइम दिया, उनके साथ समय गुजारा और उनको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए सब कुछ किया। करिश्मा कपूर के दोनों बच्चे अब काफी बड़े हो चुके हैं और वो खुद का ख्याल रख सकते हैं और वो अब ये समझने लगे हैं कि करिश्मा कपूर भी अपनी लाइफ गुजारने के लिए किसी के शेयर की जरूरत है और करिश्मा कपूर खुद भी अपने लिए एक सहारा ढूंढने लगी है। आलिया भट्ट की शादी से लेकर अब तक करिश्मा कपूर की लाइफ में काफी सारे ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिनके कारण करिश्मा की शादी को लेकर रोज बरोज ये रूमर्स बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले आलिया भट्ट का कलीरा करिश्मा कपूर पर गुजरा जिसको देखकर करिश्मा बहुत ज्यादा खुश हुई और करिश्मा ने इसे सीने लिया। इसके बाद करिश्मा कपूर के एक फैन ने उनसे ये पूछा कि क्या दूसरी दफा शादी करना चाहेंगी, तो करिश्मा कपूर ने ना नहीं कहा। करिश्मा कपूर का कहना था कि इट डिपेंड्स का मतलब यही होता है कि वो शादी के लिए तो तैयार है लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में वो अभी सोच रही है। और अब रिसेंटली कुछ और रिपोर्ट्स भी सामने आई है जिसमें बताया जा रहा है कि करिश्मा कपूर इस समय किसी बिजनेसमैन को डेट कर रही है और बहुत जल्द अपना ये सब कुछ सामने लाने वाली है और शादी भी करने वाली है। करिश्मा कपूर की शादी के बारे में यही कहा जा रहा है कि वो काफी समय से उस बिजनेसमैन के साथ डेट कर रही है और अब वो शादी करने वाली है। आपको करिश्मा कपूर की सेकंड मैरिज के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को कर दें लाइक और मजीद ऐसी अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले।